तो हेलो गाइस, जो कल मेगा ऑक्शन आईपीएल का ख़त्म हुआ है और 10 टीमों की लड़ाई ख़त्म हुई है प्लेयर को लेकर, उसी में से आज चेन्नई सुपर किंग्स जो कि धोनी का टीम है और जानते हैं कि आईपीएल का मोस्ट सक्सेसफुल टीम है मुंबई इंडियंस के बाद, उन्हीं के बारे में हम बात करने वाले हैं। और वो काफ़ी उससे पहले जो कि बात करेंगे, उससे पहले हम टॉप 5 पिक्स बताते हैं जो कि ईशान किशन 15.25 करोड़, दीपक चहर 14 करोड़, ये भी गए हैं वहीं, श्रेयस अय्यर 12.25 करोड़, शार्दुल ठाकुर 10.75 करोड़, और हर्षल पटेल जो कि आरसीबी की तरफ से इस बार खेलेंगे, अगली बार भी पर्पल पटेल रहे थे, वो 10.75 करोड़। और इसी तरह से अच्छा मेगा ऑप्शन कहा जा सकता है। और चेन्नई की तरफ से रिटर्न प्लेयर थे, रिटर्न किए गए थे 16 करोड़ में, रविंद्र जडेजा को किए गए थे, एमएस धोनी 12 करोड़ जो काफ़ी कूल माइंड के हैं, और 3 नंबर पे हैं रिटर्न मोइन अली 8 करोड़ के, ऋतुराज गायकवाड़ जो कि बहुत युवा हैं पर ऑरेंज कैप इन्हीं के पास था, और ऋतुराज गायकवाड़ जो कि काफ़ी अहम खिलाड़ी हैं उन्हीं का देखिए चलचित्र है। और इनके बाद है डेविन कॉनवे, ये एक फॉरेन प्लेयर है जो डेविन कॉनवे हैं। और अगले प्लेयर हैं जो आ रहे हैं आपके स्क्रीन पे, सेनापति, ये भी इंडिया के काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं सेनापति, ये बैटिंग करते हैं सेनापति जी। और ये आ गए हैं हरी निशांत, ये भी बैटिंग है, इंडिया का है, ये इंडिया फॉरेन प्लेयर नहीं, इंडिया का प्लेयर है, इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्लेयर हो सकते हैं। और इनके आगे चलते हैं, और ये रॉबिन उथप्पा, इनको तो आप लोग जानते हैं कि अगला बार फाइनल में शायद ये अच्छा पारी खेले थे, और धोनी पुराने खिलाड़ी पर ज़्यादा विश्वास करते हैं इसीलिए इन्हें फिर से वापस किया गया, वेलकम बैक। अरे हमारे देखिए उन्हीं के लगता है वापस किए हैं, उसी के खुशी में सीटी मारने की कोशिश कर रहे हैं कैप्टन कूल, आप लिखा हुआ भी देख सकते हैं। और आगे की ओर चलते हैं जो कि जग्गी एन जगदीशन है, ये भी विकेट कीपर इंडिया के है, पर विकेट कीपर भाई या फिर धोनी है तो आपका जगह तो नहीं बनेगा शायद। उसके बाद बाहुबली जो कि अंबाती रायडू है, ये भी इंडिया के विकेट कीपर है, पर ये पता है कि अंतर्राष्ट्रीय से संन्यास ले चुके हैं लेकिन आईपीएल खेलेंगे, इस बार चेन्नई की ओर से खेलेंगे। नेक्स्ट की ओर जाते हैं शिवम दुबे, ये आरसीबी में रह चुके हैं, उसके बाद राजस्थान रॉयल्स की ओर से खेले हैं, अब चेन्नई सुपर किंग की ओर खेलेंगे और अच्छा करेंगे शायद। और क्रिस जॉर्डन है जो कि इंग्लैंड के ऑलराउंडर है, बहुत बेस्ट ऑलराउंडर है, ये भी आरसीबी में खेल चुके हैं और अदर टीम में। ये भगत वर्मा है जो कि इंडिया के ऑलराउंडर है, और ये नया प्लेयर है, इनका ज़्यादा नाम नहीं अभी आया है इसीलिए इनका देखते हैं जगह बनता है या नहीं। और ये तो जानते हैं मिचेल सेंटनर जो न्यूजीलैंड के हैं, काफ़ी अच्छी गेंदबाजी करते हैं और धोनी इन पर हमेशा भरोसा जताते हैं, ऑलराउंडर है। नेक्स्ट है चैंपियन डांस डेविन ब्रेवो, इन्हें तो आप जानते ही हैं, इनका बाटला हाउस कहा जाता है, डीजे ब्रेवो इन हाउस इन चेन्नई। तो नेक्स्ट खिलाड़ी हैं पिटोरियस जो कि ये ऑलराउंडर हैं साउथ अफ्रीका का, जो कि काफ़ी अच्छे दर्जे के खिलाड़ी हैं। और अगला खिलाड़ी हैं हमारे तरफ से ये महेश तिचनप प्लेयर हैं, ये श्रीलंका का प्लेयर है, बॉलर हैं, और ये अगला प्लेयर की ओर जानते हैं, ये भी इनका जगह बनेगा शायद, और इनका नाम राजवर्धन ही है, इन पर लिखा हुआ राजवर्धन, और अच्छे प्राइस पे गए हैं। और अगला प्लेयर है समरजीत जो कि पंजाबी हैं और ये इंडिया के बॉलर हैं और अच्छे प्लेयर हैं। और नेक्स्ट प्लेयर की ओर चलते हैं, नेक्स्ट प्लेयर में है एडम माइल, इनको तो पता ही, इनको जानते हैं, न्यूजीलैंड का बॉलर है और अच्छा बॉलर है। और नेक्स्ट प्लेयर में मुकेश है जो कि इंडिया का बॉलर है, और इन पे दाव अच्छा खेले हैं लेकिन देखिए इनका भी जगह शायद नहीं बनेगा। अरे प्रशांत, इनका नाम सुन चुके हैं आप पहले ही सुन चुके हैं, बॉलर अच्छे हैं। और ये तुषार हैं जो इंडिया के ही हैं, बॉलर हैं, और इनका भी नाम गिने चुने में, पर इस बार काफ़ी नए खिलाड़ी पर दाव लगाए हैं। आज देखिए आसिफ, सीएम आसिफ इसे बोलते हैं,